दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमें कौन सा काढ़ा पीना चाहिए, अजवाइन का, गिलोय का, तुलसी का, नीम का, बहुत सारे काढ़े हैं, इनमें से हम कौन सा पीना चाहिए काढ़ा। ये मुझे लगता है सबके मन में एक दो बार सवाल जरूर आएगा, क्योंकि कोरोना पीरियड में भाई इम्यूनिटी सबको ही बढ़ानी है, क्योंकि भाई किसी का मन शौक नहीं है कि वो कोरोना से पॉजिटिव होए। हाँ, किसी के मन से ख़राब हो, वो उसे मन करे होने का, पर उसकी बात मैं नहीं कर रहा। मतलब सबको यहाँ पे काढ़ा पीने के बहुत सारे लोग की आदत लोग पड़ गई है। पहले कोई नहीं पीता था काढ़ा, जब से लॉकडाउन लगा, जब से कोरोना आया, जब से काढ़े पीने की आदत सबको लग गई है। पर यहाँ पर सबका एक सवाल आता है कौन सा काढ़ा पिए। काढ़ा तो बहुत सारे तरीके के हैं, अजवाइन का है, गिलोय का है, तुलसी का है, पर पिए तो पिए कौन सा। तो मैं इसका डाउट ये पूरे क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। पर इससे पहले हमारे चैनल पर आया हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वाले वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। यार तुम्हें कैसे यार, मतलब तुम कहीं और जाते हो तो मेरे पैसे देने पड़ते हैं ना, यार फ्री में मिल रहा है तो कम से कम सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। तुम भी कभी चैनल क्रिएट करोगे यार, तुम्हें भी तो ज़रूरत पड़ेगी यार। तो भाई यार देखो, सबका साथ दो, सबका साथ दो। मैं अगर आपको चाहिए सब्सक्राइबर मेरे से, आपको अगर अपना चैनल सब्सक्राइब करवाना है तो कमेंट कर देना, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर दूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पर इन सबकी बात फालतू की बात पर नहीं आ रहा, मैं मुझे बात करनी है कौन सा काढ़ा पीना चाहिए दोस्तों। उसको मैं सीधा आंसर दे देता हूँ। काढ़ा सब अच्छे हैं अपनी जगह पर, वो अपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से बहुत सारे लोग पीते हैं, बहुत सारे लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पीते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि काढ़ा जब भी पियो, सब काढ़े अच्छे हैं अपनी जगह पे, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अजवाइन का काढ़ा बेकार है तो गिलोय का काढ़ा बेकार है। पर मेरे हिसाब से आपको पीना चाहिए, सबको बदल बदल काढ़ा पीना चाहिए। किस दिन अजवाइन का, वैसे अभी गर्मी का मौसम है तो उस समय हमें जैसे कि बार डेली काढ़ा नहीं पीना चाहिए, हफ्ते में 3 दिन पीना चाहिए हमें काढ़ा गर्मी के समय में। समझ लो एक दिन आप अजवाइन का पी लिया, एक दिन आप गिलोय का पी लिया, एक दिन तुलसी का पी लिया। तो गिलोय या फिर तुलसी को तो एक साथ मिला देते हैं, पर गर्मी के मौसम में मतलब मिलाना गर्म हो जाता है वरना ये तो जैसे गिलोय अजवाइन का तो अकेले पीते हैं काढ़ा, पर जब भी गिलोय और तुलसी का काढ़ा बनाओ उसके अंदर आप काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, सब डाल के बनाए करो। इससे होता क्या है ना, एक्स्ट्रा उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़ जाते हैं ऊपर से, और उससे इसके फायदे और बढ़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग काढ़ा पियो, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ये वाला काढ़ा पीने से वो होता है, ये वाला काढ़ा पीने से होता है तो ये वाला अच्छा होता है, ये वाला फ़ायदेमंद होता है, कोई सी बात नहीं है। जौन सा मन हो वो पियो, अलग अलग बदल के पियो, ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको समझ लो किस समय बहुत सारे लोग बुखार लग जाता है, तो बुखार लगने में गिलोय ज़्यादा फ़ायदा करता है, और जैसे सर्दी जुकाम हो गया उसमें तुलसी ज़्यादा फ़ायदा करता है, पेट की कोई सी दिक्कत हो उसमें अजवाइन फ़ायदा करेगा, या फिर थोड़ा सा कहीं बहुत सारे लोग को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, थोड़े सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी अजवाइन का काढ़ा बहुत मदद करता है। अजवाइन सांस लेने में भी बहुत मदद करता है, आप चेक करना, अजवाइन खा के देखा ना, सांस की नली खुल जाती है अजवाइन खाने से। और कफ कोल्ड के लिए तुलसी अच्छा है, बुखार के लिए गिलोय अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए सब अच्छे हैं। तो सब बदल बदल के पियो काढ़ा, सब काढ़े अच्छे हैं अपनी जगह पर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये लोगों ने भ्रम फैला रखा था वो काढ़ा पियो तो वो काढ़ा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ अच्छा होता है। आयुर्वेद, बहुत सारे लोग को आयुर्वेद को बदनाम करने में, मैं कोई ऐसा सपोर्टर नहीं हूँ आयुर्वेद एलोपैथी का, मैं मतलब कहना चाहता हूँ सब अच्छे हैं अपनी जगह पे। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, बस मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जल्दी से दोस्तों, फ्री में यार, कुछ पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे, कर दो यार, कुछ जा रहा है क्या तुम्हारा, क्यों रुला रहे हो मुझे। चलो ज़्यादा हम बकवास कर लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो अब तक के लिए बाय बाय।